अस्सलामुअलैकुम दोस्तों दोस्तों शुरू करते हैं अपना आज का व्लॉग अल्लाह पाक के रहमत करम फजल और शुक्र के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त भाई खैर खैरियत से होंगे, अपनी अपनी लाइफ में खुश होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने जुमान में रखे। दोस्तों तो सुबह का आगाज़ हो चुका है और मैं घर से निकल चुका हूँ, नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया है, अभी बस चलते हैं शॉप की तरफ दोस्तों। और मौसम हमेशा की तरह आज भी काफ़ी अच्छा है तो मैं आपसे शॉप पर चल के ही मुलाकात करता हूँ दोस्तों। तो जी दोस्तों अभी कुछ देर पहले ही मैं शॉप पर आया हूँ और मैंने हाथ वगैरह धो लिए हैं, कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं। अब अपना जो आज का काम है वो शुरू करते हैं और अपने आज के ब्लॉग और अपनी आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं दोस्तों। तो जी दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये अभी कुछ फ्रेश सामान आया है दोस्तों। अभी कुछ देर पहले ही मैं शॉप पर आया हूँ और हमारी शॉप के 4 से 5 लड़के आज छुट्टी पर हैं और इसके अलावा दोस्तों आज काम भी काफ़ी ज़्यादा है, कस्टमर भी काफ़ी ज़्यादा हैं दोस्तों आज, तो आज काम का जो बर्डन है वो काफ़ी ज़्यादा होगा क्योंकि लड़के भी कम हैं और कस्टमर भी हैं। इसके अलावा ये सामान भी आ गया दोस्तों, काफ़ी सारा सामान आ गया सुबह सुबह के टाइम दोस्तों, तो अभी कस्टमर को भी डील करना है। इसके अलावा जो सामान है इसको भी इसकी जगह पर शिफ्ट करना है, तो काफ़ी ज़्यादा जो है दोस्तों काम होगा और काफ़ी मसरूफ़ दिन गुजरेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों ये चीफ का जो है वाटर पम्प आया है और ये 3 इंच का दोस्तों वाटर पम्प आया है, ये आप देख सकते हैं चीफ का मोनोग्राम बना हुआ है और चीफ का ट्रेडमार्क नंबर लिखा हुआ है दोस्तों। जो 3 इंच का वाटर पंप होता है और जो 2 इंच का वाटर पंप होता है दोस्तों उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, रेट का बहुत थोड़ा सा फ़र्क होता है, इसलिए ज़्यादा 3 इंच का वाटर पंप है उसकी डिमांड है, 2 इंच का वाटर पंप जो है बहुत कम यूज़ होता है। इसके अलावा दोस्तों ये चीफ के पेट्रोल इंजन भी आए हैं, ये आप देख सकते हैं तकरीबन 6 जो है पेट्रोल इंजन आए हैं और 6 वाटर पंप आए हैं। इसके अलावा कुछ ये मोबाइल के कार्टन आए हैं दोस्तों, इसमें 4 लीटर की पैकिंग है और 5 लीटर की पैकिंग है। जो छोटा डीजल इंजन होता है दोस्तों उसके अंदर 4 लीटर मोबाइल डलता है और जो बड़ा डीजल इंजन होता है उसके अंदर 5 लीटर मोबाइल डलता है। ये दोस्तों टोटल 6 कार्टन आए हैं और ये जितना भी ऑयल आप देख रहे हैं सारा 4 लीटर ऑयल आया है। इसके अलावा ये जो दोस्तों आप आगे कार्टन देख रहे हैं ये 5 लीटर का ऑयल है दोस्तों और ये टोटल 5 कार्टन आए हैं। इसके अलावा दोस्तों और भी काफ़ी सारा सामान आया है तो अभी सारे सामान को इसकी जगह पर भी शिफ्ट करना है और काम आज काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों। ये दोस्तों आप देख सकते हैं ये वही तार वाला पाइप है जो आपको मैं पहले चेक करवा चुका हूँ, लेकिन दोस्तों ये जो पाइप है ये लगता है डीजल इंजन के साथ गर्म पानी के लिए। और इसके अलावा दोस्तों ये टूल बक्स हैं जिसके अंदर डीजल इंजन का स्पेयर पार्ट वगैरह होता है, ये आप देख सकते हैं चीफ का मोनोग्राम बना हुआ है और चीफ का ट्रेडमार्क नंबर लिखा हुआ है दोस्तों। ये टोटल 5 टूल बक्स आए हैं दोस्तों और 5 ही डीजल इंजन आए हैं। इसके अलावा दोस्तों ये डीजल इंजन की पुलियाँ आई हैं, इसमें भी 4 जो है पट्टे वाली पुलियाँ हैं और 1 जो है बेल्ट वाली पुली है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। काफ़ी सारा सामान अभी दोस्तों आया हुआ है, डीजल इंजन का सामान आया है, उसके अलावा मोबाइल आया है और वाटर पंप और पेट्रोल इंजन आए हैं। तो अभी फ़िलहाल ये सारा जो सामान है ये ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो जैसे ही फ्री होते हैं फिर इसको इसकी जगह पर शिफ्ट करेंगे, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ डीजल इंजन भी आए हैं वो भी मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये दोस्तों डीजल इंजन आए हैं और ये आप देख सकते हैं इसमें 20 हॉर्स पावर का इंजन आया है, 25 हॉर्स पावर का इंजन आया है। इंजन तो दोस्तों मैंने तरतीब से लगा दिए हैं, ये आप देख सकते हैं इंजन जो है वो लग चुके हैं, लेकिन बाकी जो सारा सामान है वो भी फिलहाल ऐसे ही पड़ा हुआ है और अभी इसको भी इसकी जगह पर शिफ्ट करेंगे। जैसे ही टाइम मिलता है तो सामान को भी इसकी जगह पर शिफ्ट करते हैं दोस्तों, क्योंकि आज कस्टमर भी काफ़ी ज़्यादा हैं तो इसलिए अभी टाइम फ़िलहाल नहीं मिला, सिर्फ मैंने अभी फ़िलहाल डीजल इंजन ही लगाए हैं। तो जी दोस्तों आज का सारा दिन बहुत ही बिजी गुजरा है, बहुत ही मसरूफ़ गुजरा है, हमारी शॉप के आज 3 से 4 लड़के छुट्टी पर थे और आज काम भी काफ़ी ज़्यादा था, सामान भी काफ़ी ज़्यादा हुआ था दोस्तों, तो सारा दिन इसी तरह से गुजर गया है। और अभी टाइम हो चुका है ईशा की नमाज़ का, तो अभी बस जल्दी से वजू करते हैं, ईशा की नमाज़ पढ़ते हैं और उसके बाद शॉप की क्लोजिंग का टाइम हो जाएगा, कुछ ही देर में शॉप भी क्लोज होने वाली है, फिर कपड़े वगैरह चेंज करके घर चलेंगे दोस्तों और घर चल के अपने आज के ब्लॉग को एंड करेंगे। मैं शॉप से घर आ चुका हूँ और अभी कुछ देर पहले भी घर आया हूँ दोस्तों, बस मैं जल्दी से अब हाथ मुँह वगैरह धो लूँ, कपड़े चेंज कर लूँ, फ्रेश हो जाऊँ, उसके बाद दोस्तों मैं खाना खाऊँगा और खाना खाने के बाद आपसे मिलता हूँ और अपने ब्लॉग को भी एंड करते हैं दोस्तों। तो जी दोस्तों टाइम हो चुका है अपनी आज की वीडियो को एंड करने का, दोस्तों खाना वगैरह मैंने खा लिया है, मैं फ्रेश हो चुका हूँ और अभी अपनी आज की वीडियो को एंड करते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको मेरी आज की छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरी वीडियोज़ को आगे शेयर कीजिए, आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों अगर आप मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट और अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाता रहूँगा। मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो मेरी वीडियोज़ को रेगुलर वॉच करते हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो सबसे मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें,
और बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, ज़िंदगी रही सांसों ने वफा की, तो इंशाल्लाह आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।